हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए आम का अचार का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम पीले सरसों से बनाएंगे। जो पीले राई आते हैं उसी के अचार में हम यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग काले वाले यूज़ करते हैं, तो आज हम पीले वाले का यूज़ कर आपको ये आम का अचार दिखाएंगे, जो कि बहुत रसीली होगी। और जब आप इसके बाइट लेंगे तो लगेगा कि आप रॉ मैंगो ही खा रहे हैं। तो चलिए, हम वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने ये आम को धोकर सुखा लिया है। अगर आपके पास साबुत वाले आम हो तो वो ऊपर से ही धोकर उसे सुखा कर फिर कटिंग कीजिएगा। मेरे पास ये कटा वाला था, तो मैंने इसको पूरा अच्छे से धोया और फिर सुखाया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी का अंश ना हो। और ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब इसे हम ये डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है और ये तरीका आपका अलग होगा। तो इसको हम इस डब्बे में सारे ट्रांसफ़र करेंगे मैंगो को, और फिर इसके बाद हम करेंगे, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। जितना क्वांटिटी है उसी के क्वांटिटी के अनुसार ही आप हल्दी पाउडर डालिएगा। और फिर इसमें हम नमक भी डालेंगे, तो नमक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए इसमें। और फिर इसमें नमक भी डाल देंगे इसके, और इसको हम 3 दिन ऐसे रखेंगे। और इसके डब्बे को हम हिलाते रहेंगे ताकि ऊपर नीचे ही अच्छे से गलते जाए। तो नमक इसलिए डाला जाता है कि ताकि अच्छे से गल जाए, और फिर इसका अचार बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, जूसी होता है। बहुत सारे आम के अचार होते हैं जो कि पूरे सूख जाते हैं और जूसी भी नहीं होते। तो ये आम के अचार आप अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से जूसी ये बन जाते हैं। फिर इसके हम ढक्कन लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 दिन हो चुका है। 3 दिन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट क्या है। तो जितना हम नमक डाले थे तो जितना ये पानी रिड्यूस किया है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हम जैसे बनाते हैं वैसे ही मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग का तरीका अलग होता है, आप इस तरह एक बार बना कर देखिएगा। तो देखिए, बहुत सारे इसमें पानी कम से कम निकल गया और हमारे आम बहुत कम हो गए। तो मैं ही आपको बताना भूल गई थी कि 2 किलो आम है। 2 किलो आम हमारे ये 1.5 किलो हो गए हैं, 1/2 किलो पूरे कम हो गए हैं, ताकि ये नमक डालने से ना फिर ये गलने लग जाते हैं। तो इतने सारे देखिए इसमें पानी निकले हुए हैं ये, और हमारे ये आम हैं। तो अब इसे हम सुखाएंगे धूप में। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप फैन के नीचे ये सुखा दीजिए। अच्छा सा ये सूख जाना चाहिए, तभी आपका अचार अच्छा दिन ज़्यादा दिन तक टिकेगा, सालों सालों टिकेगा। नहीं तो अगर ये अच्छे से नहीं सूखेगा तो फिर आपके अचार ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह हम सारे बर्तन में देखिए मैंने सुखा लिया है। छिलके का तरफ मैंने नीचे रखा है और उसके ऊपर तरफ ऐसे गूदा ऊपर रखा है, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और ये हमारे आम सूख कर रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसका मसाला रेडी करते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले मैंने तवा भी ऑन नहीं किया है, गैस का फ्लेम। और ये सौंफ मैंने लिया है 2 चम्मच, कलौंजी लिया है 1 चम्मच, और अजवाइन लिया है 2 चम्मच। तो ये पहले जो मसाले हैं हम इसे भून लेते हैं, और हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, जस्ट इसका कच्चापन दूर करने के लिए। तो ये देखिए हमारे अच्छे से भून चुका है। तो अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये भून चुका है। और हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। फिर सेम तवा में हम लेंगे मेथी के दाने, जो कि वो भी 2 टेबलस्पून मेथी के दाने हैं। इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। तो जितने मसाले हमें भूनने वाले थे मेथी के दाने के कलर चेंज हो गए, ये मेथी के दाने को हम पीसेंगे, बाकी सारे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जो है हमारे स्पाइसेस वो ऐसे खड़े ही डालेंगे हम। एक बर्तन में हम तेल गरम कर लेते हैं। तो तेल मैंने लिया है सरसों का तेल, वो भी 1/2 लीटर डाला है हुआ है इसमें। आप अपने अचार के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, अगर आपको कम लगे तो और डालिएगा। तो कभी भी आप अचार बनाएं तो सरसों के तेल को गरम करें, और देख सकते हैं कि गरम हो चुका है। अंदर इसके
बबल्स हल्के हल्के आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा तेल आपके गर्म हो गए। ज़्यादा उबालना नहीं है, हमें हल्का सा गर्म करने। अब आता है हमारा मसाला बनाने का तरीका, हम कैसे बनाएंगे मसाला। तो मैंने ये सरसों के दाना लिया है जो कि है 1 पाव, 250 ग्राम है। इसमें हम डालेंगे मेथी जो हमने भून कर रखा हुआ था उसको, और दोनों एक साथ हम पीस लेंगे। और ये मैंने कुछ मिर्च लिया है जो आपके तीखे अकॉर्डिंग ही आप लीजिएगा, तो मैंने इतना ही मिर्च लिया, ज़्यादा मिर्च नहीं डाला है मैंने इसमें। और सारे को हमने पीस लिया है, पहले मेथी और सरसों के दाने को पीस लिया है। सरसों हम पीसते हैं तो और डबल हो जाता है ये। अब इसमें हम मिर्च भी पीस कर डाल लेंगे, तो अब हमने मिर्च भी पीस लिया है देखिए, और उसे भी हम डाल लेते हैं। तो हम पैकेट वाला मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये पैकेट वाली मिर्च की अलग ही होती है, और ये वाली मिर्च आपकी पीसी हुई इसकी स्वाद अलग होती है। और ये जो हम बना रहे हैं मसाले, इस मसाले को अगर आप डालकर बनाएंगे तो ज़्यादा अचार आपकी टिकती भी है। तो अब हम डालेंगे सारे जो खड़े साबुत वाले मसाले, वो भी इसमें डालकर हम मिक्स कर लेते हैं ताकि अलग से बाद में ना डालना पड़े आपको। फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो नमक मैंने देखिए 1 कटोरी भर के लिया है, और इसे भी हम डाल लेते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। आप नमक उसके अनुसार ही डालिएगा क्योंकि हम जब गलाते समय आम को नमक डाले थे उसी अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। और फिर इसमें हम डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, वो भी हम आधा कटोरी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। और इसे सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये मसाला बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपने आम को मिक्स करेंगे सारे मसाले इसमें। तो ये रहे हमारे बर्तन और चम्मच, और इसे भी मैंने अच्छे से धूप में दिखा लिया है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी गीलापन नहीं होना चाहिए। और हमारे ये आम हो गए, आम भी अच्छे से सूख गए हैं देखिए, बिल्कुल नमी नहीं है इसमें। अब इसमें हम सारे ये मसाले मिक्स करेंगे। तो ये हमारे 2 किलो आम हैं। अब हम सारे मसाले को इसमें मिक्स करते जाएंगे, और इसमें मिर्च है तो हाथ का इस्तेमाल कम कीजिएगा, ये अपने चम्मच से ही अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। तो ये आम के हम चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए। हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम डाल लेते हैं तेल, जो कि हमारा तेल बहुत ठंडा हो गया है। गरम तेल मत डालिएगा आप, तेल को पहले ठंडा कर लीजिएगा फिर ही आप इसमें मिक्स कीजिएगा। तो हम तेल को डाल लिए हैं, थोड़ा थोड़ा तेल डालकर मिक्स करेंगे, और थोड़ा तेल हम बचा लेंगे जो अपने जार में हम इसे स्टोर करेंगे उसमें फिर डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर रहा है, तो मुझे मसाला कम लगा तो मैंने थोड़ा मसाला बचा कर रखा था, तो अब उसे भी पूरा डाल लेते हैं और पूरे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा इसमें तेल भी डालकर मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये अचार बनकर रेडी हो गए हैं। तो ऐसे खाएंगे तो आपको कच्चापन थोड़ा लगेगा, तो ये 5 दिन के बाद ही रेडी होंगे ये अचार, और आप इसको सालों भर स्टोर कर कर रख सकते हैं। अचार अभी इस टाइम ऐसे दिखते हैं, जब ये पुराने होते जाते हैं तो उसके कलर भी चेंज होने लगते हैं। तो अब हम ले लेते हैं कांच का जार। तो कांच का जार भी मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखाया हुआ था। कांच के जार में आप अचार रखते हैं तो बहुत अच्छे ये टिकते भी हैं और बहुत साल तक टिकते हैं। तो आप प्रिफर कीजिएगा कांच के ही बर्तन में अचार को स्टोर करने के लिए। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम अचार सारे रखते जाएंगे अपने कांच के बन्नी में। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे ये 2 किलो के आम 2 बर्तन में सेट हो गए हैं, 2 बन्नी में सेट हो गए हैं आम। और हमारे इसी में हम ये तेल अब थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, और फिर अगर बाद में कम लगेगा तो गरम कर कर ही आप तेल डालिएगा,
ऐसे कच्चा तेल नहीं डालिएगा। तो हमारे ये अचार बनकर रेडी हो गए हैं, तो ये कोई भी बना सकता है, बिगिनर लोग भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, और आप अचार में ही पीले सरसों ही यूज़ कीजिए, उसका स्वाद अलग ही आता है। तो फ्रेंड्स, आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कैसे बनाते हैं आम का अचार और कौन सा सरसों का इस्तेमाल करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।